अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है। प्रमुख सागर आज हम उस उत्तम मार्दव धर्म की ओर अपने जीवन को जी रहे हैं। वो उत्तम मार्दव धर्म हमें क्या कहना चाहता है, क्या समझाना चाहता है, कहां से कहां तक अपनी व्यवस्थाओं को बनाना चाहता है। आचार्यों ने उत्तम मार्दव धर्म के संबंध में कहने का प्रयास किया है मूलाचार ग्रंथ के अंदर, मृदु भावो मार्दवम, जिसके मृदु भाव होते हैं वो मार्दव धर्म को अपनाता है। मृदुता कोमलता का लक्षण है। और आप कई बार पूजाओं में पढ़ते हैं, कई बार लोगों से सुनते हैं कि आदमी के पास सबसे बड़ा बीमारी अगर कोई है तो मान और सम्मान की, और जहां मान और सम्मान की चाह है वहां समझ लेना अपमान ही अपमान है। जिसके अंदर मान की चाह नहीं है ना सम्मान की चाह नहीं है उसका कोई अपमान नहीं कर सकता। जब तुम्हारे अंदर तुम्हारा कालर ऊंचा होता है ना तो ये लगता है कि हर जगह मेरा मान हो, मेरा सम्मान हो, हर जगह मेरा नाम हो। और आप विचार करके रखना, जहां थोड़ा सा मान और सम्मान में थोड़ी सी धक्का लगता है, थोड़ा सा चोट लगती है, तो हमारा जीवन हमारे आप से अपने आप से बाहर चला जाता है। ख्याल करो, उत्तम मार्दव धर्म हमें कहने का प्रयास कर रहा है कि अपने अंदर से अहंकार का भाव निकालो। उत्तम मार्दव धर्म अपने आप से कहने का हमसे प्रयास कर रहा है कि अपने अंदर से अपना घमंड निकालो। उत्तम मार्दव धर्म हमसे कहने का प्रयास कर रहा है कि अपने अंदर से मान की चाह खत्म करो। उत्तम मार्दव धर्म कहता है कि अपने अंदर से सम्मान की चाह खत्म करो। अभिमान को छोड़ना है, स्वाभिमान को नहीं छोड़ना है। अभिमान जो सर पे चढ़कर बोलता है और स्वाभिमान जो होता है वो हृदय में से बात करता है। अभिमान जिसे नीचा देखना पड़ता है और स्वाभिमान जो नीचा दिखाता भी नहीं है और नीचे देखता भी नहीं है। अभिमानी व्यक्ति दूसरों को नीचा दिखाकर अपने आप को ऊंचा बनाना चाहता है, और स्वाभिमानी व्यक्ति झुककर अपने जीवन को अपना ऊंचा बनाना चाहता है। इतना ही विचार करो, जब जब तुम्हारे अंदर अहंकार का भाव आएगा तब तक समझना तुम्हारी यात्रा बाहर की यात्रा हो रही है। जब जब तुम्हारे अंदर ईगो आएगा ना, तो ईगो का मतलब क्या है समझते हो ना, ई माने ईश्वर, ओगो माने गया। जहां से ईश्वर गो हो गया वहीं समझ लो ईगो खड़ा हो गया, और ईगो आते ही तुम्हारे जीवन से तुम्हारे कल्याण की भावनाएं समाप्त होने लगती हैं। ख्याल करो, मान किसी का नहीं रहा। हम लोग पूछते हैं ना, हम लोग कहते हैं ना, मान कारण ते मर गए। विचार करना, मान कारण ते मर गए जिनका रहना वंश। तीनों को तुम देख लो, रावण कौरव और कंस। अब विचार करके रखना, मान कारण मर गए जिनका रहना वंश, और तीनों को तुम देख लो रावण कौरव कंस। रावण के पास क्या नहीं था, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती। तुम्हारे कितने पूत हैं, कितनी बेटी है तुम्हारे पास, कितने नाती हैं तुम्हारे पास, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जाके घर दिया ना बाती, आखिरी में दिया जलाने वाला नहीं रहा।
क्या नहीं था, लेकिन एक अहंकार रावण का। और आप विचार करके रखना, सबने रावण को समझाया कि वो राम और लक्ष्मण भगवान हैं, पुरुष हैं, महापुरुष हैं, उनके सामने कोई जीत नहीं सकता। रावण केवल क्या कहता गया, रावण तो इतना ही कहते, अरे वो बनवासी छोकरे, अब बाहरी तुम्हारी बुद्धि। विचार करके रखना, कभी छोटे को छोटा मत समझना, छोटा भी कभी कभी सर पे चढ़ के बोलता है। चींटी छोटी सी है लेकिन हाथी उससे डरता है, मालूम क्यों? अगर चींटी नाक में घुस जाए ना हाथी के, हाथी डांस करने लगता है। ख्याल करके रखना, चींटी छोटी है लेकिन इतने बड़े हाथी को भी परास्त कर देती है। छोटी सी अग्नि की चिंगारी बड़े बड़े जंगलों को जलाकर राख कर देती है। विचार करके रखना, छोटे होने में ही फायदा है। हाँ, बिंदी छोटी सी है, माँ के माथे पे लगती है, और साड़ी इतनी लंबी चौड़ी है, जमीन में खिसकती रहती है। छोटे होने में ही फायदा है। छोटा बच्चा यात्रा पे जाते हो, बड़े बच्चे को ले जाते हो, छोटे को, बड़े बच्चे से बोलते तू तो रहे यहां पर, तेरा टिकट लगेगा, छोटे को बोलते चल साथ में, और छोटे को तो उठा के गोदी में भी रख लेते हो, और बड़े वाले को चलते चल पैदल चल। विचार करके रखना, संसार में जितना छोटा बन के जियोगे ना, उतना दूसरों के दिल पे राज करो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और जहां तुमने बड़ा बड़ा बड़ा, और बड़ा क्या, वो दही में पड़ा इसलिए वो बड़ा है ना, काय काय का बड़ा, मिर्ची बड़ा, दही बड़ा, काय काय का बड़ा। आप विचार करके रखना, ये सारे बड़े हैं वो दही में पड़े हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पक्षी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। इतना ही विचार करके रखना। आज के धर्म को समझना है तो विनम्रता को समझने का प्रयास करना। जो व्यक्ति जितना विनम्र होगा, जो व्यक्ति जितना सरल होगा, जो व्यक्ति जितना विनयवान होगा, वो उतना ऊपर आगे बढ़ने का प्रयास करेगा। ख्याल करना, ये जीवन की सत्यता है। जिस पेड़ पर जितने ज्यादा फल लगते हैं ना, वो पेड़ उतना झुक जाता है। जिस पेड़ पर जितने ज्यादा फल लगते हैं वो पेड़ उतना झुक जाता है। और जिस आदमी के अंदर जितना ज्ञान प्रकट होता है ना, जितना अंदर के भाव प्रकट होते हैं ना, और उतना वो नम्र और विनम्र हो जाता है। अकड़ किस बात की, अकड़ तो मुर्दे की पहचान है। आप विचार करके रखना, अकड़ तो मुर्दे की पहचान है। झुकता तो वही है जिसके अंदर जान है, झुकता तो वही है जिसके अंदर अकड़ मुर्दा है। हाँ, कहीं मर जाए ना तो ऐसा अकड़ जाता है। और अजय मुर्दे को देखना तो अहंकार कितना, उस मुर्दे का अहंकार तो देखो, जीते जी भी अहंकारी और मरने के बाद भी अहंकारी। मरने के बाद भी कहता मैं अकेले नहीं जाऊंगा, मैं जमीन पे चल के नहीं जाऊंगा, मैं चार के कंधे पे बैठ के जाऊंगा। अकड़ तो देखो उसकी, आप विचार करके रखना, अकड़ उसकी इतनी कि वो चार के कंधे पे जा रहा है, कैसे होगा। ख्याल करना, थोड़ी सी सांसों में गुब्बारे फूल जाते हैं, थोड़ी सी सांसों में गुब्बारे फूल जाते हैं, उड़ने लगते आकाश में तो अपनी औकात भूल जाते हैं। उड़ने लगते तो आकाश में, अगर गैस के गुब्बारे में थोड़ी गैस भर दो बस, ऐसा उड़ेगा, ऐसा उड़ेगा, ऐसा उड़ेगा, वो कहेगा कि अब मैं सबसे ऊपर, और गैस निकली तब जाते बांबी नहीं देखे। आप विचार करके रखना, चंद सांसों में गुब्बारे फूल जाते हैं, उड़ने लगते आकाश में तो अपनी औकात भूल जाते हैं। हमें कभी भी अपने अतीत को और अपनी औकात को नहीं भूलना। अतीत और औकात जिस वक्त तुम भूल गए ना, विचार करके रखना, तुमसे ज्यादा संसार का दुखी व्यक्ति कोई नहीं होगा। अतीत को हर कोई व्यक्ति देखना
क्या था तुम्हारे पास और आज क्या नहीं है तुम्हारे पास। औकात को देखना कि तुम्हारे पास जब कुछ नहीं था तब लोगों ने तुम्हारी मदद की, तुम्हारे लोगों ने सब कुछ दिया, आज तुम्हारे पास कुछ हो गया तो तुम उनको कुछ नहीं समझते हो। ख्याल करना, जिन माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया है ना, उन माँ बाप की तरफ दृष्टि डालकर देखना, वो तुम्हारे अतीत हैं और वो ही तुम्हारी औकात हैं। उन्होंने तुम्हें सब कुछ दिया, उनको कभी मत भूलना। ख्याल करो, रावण के पास सब कुछ था लेकिन रावण के पास विनम्रता नहीं थी। रावण अपने जीवन में कहां से कहां तक, सब कुछ होने के बाद दो वनवासी छोकरे और दोनों वनवासी छोकरों ने क्या कर दिया, वो दोनों राम और लक्ष्मण ने रावण को कहीं का ना छोड़ा। रावण को रावण ने नहीं मारा, रावण को राम ने नहीं मारा, रावण को रावण के काम ने मारा, रावण को रावण के अहम भाव ने मारा। और आप विचार करना, जो मान है ना, मान सबसे पहले मौन कराता है। जैसे ही तुम्हारे अंदर मान पर चोट पहुंची, अहंकार पर चोट पहुंची, तो अहंकार कहता है अब मैं उससे बात नहीं करूंगा। और मान जैसे ही मौन कराता है ना, बोले तो बोले कौन, किसी ने किसी के अहंकार को चोट पहुंचा दी तो अब वो सोचता है कि बोले तो बोले कौन। जो बोले वो ही कुंडी खोले, कमरे में चार बैठे हों और अगर वहां पर कोई कंडी खटखट आए तो जो बोले वही कुंडी खोले। कुछ देर गहरे ध्यान में चले जाते हैं, कुछ समाधि में चले जाते हैं, कुछ पता नहीं काय में चले जाते, बोलेंगे तो कुंडी खोलना पड़ेगी, चुप। और ये मौन मान सिखा देता है, मानी व्यक्ति मौन हो जाता हूं। मैं कहता हूं तुम्हारे घर की समस्याएं, परिवार की समस्याएं, समाज की समस्याएं मौन से कभी भी समाप्त नहीं होंगी। अगर तुम एक दूसरे से मौन रखते हो तो तुम्हें विचार करके रखना, कभी भी तुम्हारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, बोल चाल से समस्याओं का समाधान होता है। अब विचार करना, देवरानी जिठानी का दृष्टांत तो आपने सुना ही होगा। एक देवरानी और एक जिठानी, दोनों में कहासुनी हो गई और कहासुनी हो इस बात पे गई कि घर में पुए बनाए दोनों ने। और दोनों ने जब पुए बनाए तो पुए में क्या हुआ, आठ पुए छोटे बन गए, सात पुए बड़े बन गए। अब देवरानी ने कहा कि मैंने मेहनत ज्यादा की है इसलिए बड़े पुए मैं खाऊंगी, छोटे तुम खाना। जेठानी ने कहा नहीं, मैं बड़ी हूं इसलिए बड़े पुए मैं खाऊंगी, छोटे तुम खाना। झगड़ा शुरू, और झगड़ा बेवजह का। आप विचार करके रखना, बड़ी कह की मैं बड़ी हूं इसलिए बड़े पुए मैं खाऊंगी, छोटी कह की छोटी मेहनत मैंने की इसलिए बड़े पुए मैं खाऊंगी, दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। आके कहा, दोनों ने कहा ठीक है हम दोनों मौन रख लेते हैं, जो पहले बोलेगा वो छोटे पुए खाएगा और जो बाद में बोलेगा वो बड़े पुए खाएगा। दोनों मौन। एक घंटा हो गया, दो घंटा हो गए, शाम हो गई, पुए रखे पेट में, चूहे कुलबुला रहे हैं, लेकिन बोले तो बोले कौन, बोलेगा तो छोटे खाना पड़ेंगे और नहीं बोलेगा तो बड़े। पूरा दिन हो गया, रात हो गई, रात हो गई, भूख से कुलबुला रहे हैं लेकिन बोले तो बोले कौन। सुबह पूरे मोहल्ले वालों का सवेरा उनके घर के शोर से होता था, क्योंकि सुबह से शुरू हो जाते थे। लोगों ने कहा कि आज आवाज नहीं आ रही घर से, उन्होंने कहा कहीं किसी काम में होंगे। एक दिन हो गया, दो दिन हो गए, लोगों ने कहा लगता है कुछ गड़बड़ है, कुंडी तो बाहर से लगी नहीं है, अंदर ही है, गड़बड़ हो रहा है कुछ। तीसरे दिन बोले तो बोले कौन, पुए रखे हैं, पहले बोलेगा उसे छोटे खाना पड़ेंगे, छोटे आठ हैं बड़े सात हैं। आखिरकार तीसरे दिन पूरे गांव वालों ने सोचा कि लगता है कुछ हो गया है, अंदर दोनों
कुछ हो गया है अंदर है कि नहीं मालूम नहीं, कुंडी खटखटाई, दरवाजा खटखट किया, कोई आवाज नहीं, कोई रिप्लाई नहीं। अब उन्हें और ज्यादा संदेह हो गया, पता नहीं। उन्होंने कहा जो बोलेगा उसे कुंडी खोलना पड़ेगी और उसे बताना भी पड़ेगा। आखिरकार गांव वालों ने दरवाजा तोड़ दिया। दरवाजा तोड़कर अंदर गए तो दो घर हमारी श्वास चल रही होगी तो बोलना पड़ेगा, आंख खोल के देखूंगा तो बोलना पड़ेगा। एक बात का ख्याल रखना, हकीकत में कोई मरे तो वो थोड़ा हिलजुल भी जाएगा, लेकिन नकली कोई मरे ना उसे हिलाओ तो हिलेगा भी नहीं। नकली के मरे थे। अब दोनों में आंखें बंद, श्वास रोक ली, इन्होंने हिला जुला के देखा गांव वालों ने, उनने कहा हम गए तो बोले, तो बोले कौन, जो बोले उसे छोटे पुए खाना पड़ेंगे। अहंकार मान मौन करा देता है। आखिरकार गांव वालों ने बहुत कोशिश की, श्वास रुकी हुई थी, उन्होंने कहा ये लोग चले गए। गांव वालों ने अर्थी तैयार कर दी, अर्थी पे दोनों को लिटा दिया। आप विचार करना, दोनों को अर्थी पे लिटा के जाने लगे रास्ते में। अब उन्होंने कहा ये तो चिता पे भी चढ़ा देंगे, पता नहीं बोला नहीं तो गड़बड़ा जाएगा मामला। ले जा रहे हैं राम नाम सत्य पुर मुर्दा बड़ा मस्त है। जैसे तैसे शमशान में पहुंचे, पहुंचने वाले थे वहां पर, अब उसने कहा बड़ी ने ये छोटी तो झुकेगी नहीं, क्योंकि छोटी को थोड़ा सा अहम भाव आ जाता है। उन्होंने कहा बड़ी ने थोड़ा से छोटी तो झुक नहीं रही है, तो बड़ी ने कहा बहन ठीक है, छोटे हम आठ खा लेंगे, बड़े सात तुम खा लेना। छोटे आठ हम खा लेंगे, बड़े सात तुम खा लेना। घटना अभी तक दुर्घटना नहीं घटी थी, घटना तो अब दुर्घटना हुई। जो लोग उनको लेके गए थे वो बड़े सात थे और छोटे उनमें आठ थे। उनने जैसे ही देखा घटना अब दुर्घटना, जैसे ही लेके जा रहे थे उन्हें बड़े आदमी थे वो सात, छोटे छोटे थे वो आठ थे। उनने जैसे ही सुना कि ये बोल रही है कि बड़े तुम खा रहे ना, छोटे मैं खा लूंगी, क्या हुआ, उन लोगों ने वो चितारती फेंकी, भागी, ये चुड़ैल बन गई है और वो भागे वहां से। वो भागे तो दोनों भी भागे निकल के, वो कहे तो ये तो चुड़ैल बन गई है और इनने तो सोच लिया कि बड़े लोगों को ये खा जाएगी और छोटे को ये खा जाएगी। आखिरकार उनकी दशा दुर्दशा हो गई। दृष्टांत कितना सत्य है मुझे पता नहीं, लेकिन दृष्टांत में तत्व कितना है इसे समझना आप। दृष्टांत में तत्व यह कहना चाहता है कि जब तुम एक दूसरे से मौन होते हो ना, दूसरे लोग उसका फायदा उठाते हैं। परिवार में कहीं कोई बात हो जाए, आपस में बात नहीं करते हो, दूसरों से सलाह लेते हो जाकर। समाज में कोई बात हो जाए तो आपस में बात नहीं करना चाहते हो, दूसरों से सलाह लेते हो जाकर। दूसरे लोग तो जले पे नमक ही छिड़केंगे, अपनों से दो मिनट से का गिलबा दूर कर लो, मान सम्मान की चाह खत्म कर दो, तुम्हारा परिवार तुम्हारा ही रहेगा, नहीं तो हम बढ़ते चले जाएंगे। विचार करके रखना, अपने जीवन में इतना ही सोचना, उस मान सम्मान की चाह से बचकर अपने आप को पाने का प्रयास करना। जितना तुम्हारे अंदर विनम्रता का गुण आएगा उतना तुम्हारा जीवन आगे बढ़ता चला जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः, जय गुरुदेव।